अलियों में तो कंजूसी मत करो, स्टेज पे खड़े होके ऐसे परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है। जब इतनी सी नन्ही बालिका परफॉर्म करती है तो उसे उत्साह तो देना चाहिए हमें सबको। गुरु के दरबार में दुनिया बदल जाती है, गुरु के दरबार में दुनिया बदल जाती है। रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है, रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेते जो भी दिल से गुरु का नाम, लेता जो भी दिल से गुरु का नाम, एक पल में ही उसकी तकदीर बदल जाती है, एक पल में ही उसकी तकदीर बदल जाती है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं नहीं करता फिर भी मेरा काम हो रहा है, गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो आइए अब हम जैनल भाई को बुलाते हैं, उनके मुख से एक अद्भुत गीत हम सुनते हैं। जुबानियां तेरी मीठी मीठी लागे, तुम मेरे कोई ना हो के भी कुछ लागे। हे अपना बना ले प्रभु, 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 दिल के नगर में शहर तू बसा ले प्रभु।
किसी भी व्यक्ति को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि सद्गुरु के बिना उसका किनारा पार हो सकता है। गुरु के बिना कभी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सामने किनारे नहीं जा सकता। तो चलो अभी हम देखते हैं स्किट रोल ऑफ सद्गुरु, जिसके कलाकार हैं पूर्वीबेन मारू, मिताबेन शाह, प्रवीणाबेन देढ़िया, उमाबेन शाह, बेलाबेन मेहता एंड मोना शाह। नमो जिनाना। हम सब ये जानते हैं, बोलते हैं हमेशा कि जीवन में गुरु होना चाहिए, सद्गुरु होना चाहिए। तो ये सद्गुरु की आवश्यकता क्यों है? होना चाहिए पता है, लेकिन हम उसका महत्व नहीं समझते। वो एक दिव्य सत्ता है तो उसकी क्यों ज़रूरत है? परम गुरु एक दिव्य प्रकाश है जो अदृश्य है, जो हमें दिखाई नहीं देते, हमारे मानवीय बुद्धि के समझ से बहुत परे है। किंतु सद्गुरु या परम गुरु का प्रकाश है जो हमारे लिए 24/7 हर समय उपलब्ध रहते हैं। उनका कनेक्शन परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। जब हम सद्गुरु से जुड़ते हैं तो हमारा कनेक्शन भी उनसे जुड़ जाता है। हाँ, सद्गुरु यह लिंग भेद से परे होते हैं, न स्त्री न पुरुष, यह तत्व स्वरूप होते हैं। सद्गुरु के बहुत से स्वरूप है हमारे जीवन में। सद्गुरु अनेक महत्व की भूमिकाएँ निभाते हैं, कभी माता के स्वरूप, पिता स्वरूप, अन्य बहुत से स्वरूप। आइए देखते हैं हमारे जीवन में सद्गुरु कौन कौन सी भूमिकाएँ निभाते हैं। सबसे पहले ममतामयी माता और सुरक्षात्मक पिता किस तरह है, आइए देखते हैं। जैसे माँ अपने बालक को प्यार देती है, वात्सल्य देती है, वैसे सद्गुरु भी अपने निश्रा में रहे हुए सेवकों को प्यार देते हैं। माँ अगर कोई गलती करता है बच्चा, तो वो माँ के आंचल में जाके बैठेगा और सब सच बता देगा, तो माँ उसे माफ़ करती है। वैसे ही अगर सद्गुरु को सच्ची बात बता दी जाए तो सद्गुरु माफ़ तो करते हैं मगर सही रास्ता भी हमें दिखाते हैं। इतने वात्सल्य से भरपूर है। और पिता के रूप में कैसे? पिता बाहर से दिखते तो नारियल जैसे कठोर है मगर अंदर से बहुत ही मुलायम है। वैसे कभी भी गलती हुई तो सद्गुरु को हमारे हित के लिए कठोर वचन भी बोलने पड़ते हैं मगर उसमें भी उनका प्यार छुपा रहता है। सद्गुरु के निकटता में रहने से हमें एक सुरक्षा चक्र प्रदान होता है जो हमें नेगेटिविटी से दूर रखता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य को गुरु को कुछ अर्पण करना होता है, तो चलो आज हम सब गुरुदेव को ये अर्पण करें कि गुरुदेव, आपने जो 18 लाइफस्टाइल हमें सिखाई है, आपने 5S फॉर्मूला दिए है और लॉ ऑफ नेचर सिखाया है, तो हम सब उसका पालन करके हमारे जीवन को धन्य और मंगल बनाए। आपने माता पिता के स्वरूप में गुरुदेव को देखा। क्या आपको पता है गुरुदेव हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आइए देखते हैं किस तरह। गुरुजी हमारे बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर होते हैं। जैसे सद्गुरु का रोल होता है एक मित्र की तरह, हमें पक्का दोस्त की तरह हमें सवारते सजाते हैं, एक मित्र की तरह हमें सब तरह से सवारते हैं। एक कुम्हार जैसे अपने घड़े को जब बनाता है तो ऊपर से ठपोरता है और अंदर से नीचे से कोमल हाथों से उसको संवारता है, निखारता है। इसी तरह सद्गुरु का रोल हमारे जीवन में एक मित्र की तरह होता है जो हमें सत्य की राह दिखाता है। लॉ ऑफ नेचर की ओर सत्य कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना वो सिखाता है सद्गुरु। हमारे हर एक सॉल्यूशन का प्रॉब्लम सोल्व करता है। इस तरह सद्गुरु एक मित्र की तरह फ्रेंड फॉर एवर है। थैंक यू। BFF तो है, लेकिन सद्गुरु हमारे BCF भी हो सकते हैं, बेस्ट कंपेनियन फॉर एवर, यदि हमारी उनके प्रति श्रद्धा दृढ़ है। तो एक सद्गुरु हमारे एक गाइड हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं,
लाइफ कोच भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार। सद्गुरु हमारे गाइड, मेंटेनर और लाइफ कोच हैं। हमारे जीवन के 6 क्षेत्र हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। हमारी सब समस्या इसी जोन से संबंधित रहती है। तो हमारे सद्गुरु हमें साइंटिफिक तरीके से सॉल्यूशन देते हैं और हमारा समस्या का सॉल्यूशन देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक सत्संगी का बेटा जो बुरी संगत में फंस गया था, तो गुरुदेव ने उन्हें माँ की तरह प्रेम और वात्सल्य से बाहर निकाला और पिता की तरह उसका भविष्य भी सुरक्षित किया। तो ऐसे सद्गुरु रहते हैं। हम सब अपने पूरे पूर्व संस्कार का सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, तो वो पूर्व संस्कार के जो सॉफ्टवेयर है वो सद्गुरु हमारे बदल देते हैं। तो ऐसे हमारे सद्गुरु हैं, ऐसे हैं, साइंटिफिक तरीके से हमारा सब सॉल्व करते हैं और लाइफ कोच है हमारे। आपने देखा सद्गुरु ये एक सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर भी है और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है। इतना ही नहीं, आप जानते हैं सद्गुरु हमारे एक डॉक्टर भी है। आइए देखते हैं डॉक्टर की भूमिका किस तरह हमारे जीवन में निभाते हैं। नमो जनम गुरुदेव। सद्गुरु एज अ डॉक्टर, जब हम बीमार गिरते हैं तो हमें लगते हैं कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, ये डॉक्टर के पास जाए, उस उधर जाए, कुछ पता नहीं चलता है, हम दिशाहीन हो जाते हैं। तब एज अ डॉक्टर हमारे सद्गुरु अपने एक्सपीरियंस से हमें अपना अनुभव आधारित हमें मार्गदर्शन देते हैं। 18 लाइफस्टाइल योग, उनमें जो 18 लाइफस्टाइल योग है उसमें कोई भी दवा नहीं है। बिना दवा से हमें कैसे क्योर होना, हमारा कोई भी डिजीज़ है उसको कैसे क्योर करना वो सिखाते हैं बिना दवा से। जैसे हमारी जो बॉडी है वो बिग केमिकल फैक्ट्री है, उसको कोई भी बाहर से दवा देने की आवश्यक नहीं है, इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन केमिकल। वैसे ही हमारे जो गुरुदेव है, जो 18 लाइफस्टाइल योग है, जैसे कि शरीर मैत्री, प्राण मैत्री, शुद्धात्मा नमस्कार योग, स्पर्श मैत्री, वो जो हमको सिखाया है, जैसे कि शरीर मैत्री करने से हमारे जो सारे जॉइंट्स है वो एक्टिवेट होते हैं, उससे हमारे बॉडी के एसिडिक लेवल कम होता है। और स्पर्श मैत्री करने से हमारी बॉडी की लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होती है और हमारे जो हॉर्मोन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। वैसे ही उज्जयिनी प्राणायाम हम जब करते हैं तो हमारे बॉडी में कोई भी वायरस इन्फेक्शन आया हुआ है तो वो निकल जाता है। वायरल इन्फेक्शन के लिए हम उज्जयिनी प्राणायाम प्लस कपालभाति करते हैं तो हमारे बॉडी में से कोई भी वायरल इन्फेक्शन हट जाता है। ये है सिर्फ 2-3 मैंने आपको बताया है लाइफस्टाइल योग। वैसे 18 लाइफस्टाइल योग है, तो आप कोई भी बीमारी अपने अंदर से आप नाबूद कर सकते हैं बिना दवा से। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जेब में से एक भी पैसा खर्च करके बिना हम सही हो जाते हैं। थैंक यू गुरुदेव। नमो जिनम। सद्गुरुदेव जब भी कोई समस्या अपने हाथ में लेते हैं और जब तक वो पूरी नहीं होती, अंतिम वक्त तक अपना बिना सोचे, अपने बारे में बिना सोचे अपना पूर्ण बलिदान देते हैं। सद्गुरु अतुलनीय ज्ञान के धनी होते हैं।
प्रचुर मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा अलग अलग भिन्न क्षेत्र का ज्ञान होता है उनके पास। हम कोई भी समस्या लेके जाए, कोई भी विषय की हो, तुरंत उसका हमें सॉल्यूशन देते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में सद्गुरु को 32 लक्षणा पुरुष कहा है। इन्हीं गुणों के कारण उनमें एक उनका अस्तित्व एक चुंबक के अस्तित्व भी होता है। जिस प्रकार चुंबक सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वहीं सद्गुरुदेव की हाजिरी सभी जीवों को अपने प्रति आकर्षित करती है। सद्गुरु का अस्तित्व ऐश्वर्यवान अस्तित्व है। वो कोमल हृदय वाले निर्दोष जीवों को आकर्षित करता है मानव के रूप में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। सद्गुरु एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक गुरु है। वो किस तरह है, आइए देखते हैं। सद्गुरु, सद्गुरु हमेशा आध्यात्मिक शब्दों, विचारों और कार्यों में व्यस्त रहते हैं। जब भी हम उन्हें मिलने जाते हैं तो हर घड़ी हमारे वो अंतर को आनंदित कर देते हैं। जो व्यक्ति उनसे सहमत नहीं है, जिनका लॉजिकल माइंड है, वो व्यक्ति उनसे सहमत नहीं है तो उनको उनसे दूरी ही रखनी है, वो सावधानी देते हैं। वरना इस जीवन में या भव भव में भारी नुकसान हो सकता है। करोड़ों अरबों वर्षों के बाद भव भ्रमण दुखों सहन करने के बाद हमें यह मानव भाव मिला है। और इतना ही नहीं, मानव भाव नहीं, हमें सद्गुरु भी मिले हैं। यह तो लाखों करोड़ों में एक को ऐसा जीव होता है, उन्हें सद्गुरु मिलते हैं। हम उन्हें करीब से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं बस यदि। और हमें हमारे जीवन का परम लक्ष्य उन्हें के द्वारा इतने भ्रमण सालों सालों का भ्रमण करने के बाद भी नहीं मिला। यदि हम उनके शरण में जाते हैं तो अल्प 50-100 वर्ष की अवधि में भी हम हमारा परम लक्ष्य सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हमारे सद्गुरु है। बस शर्त इतनी है कि सद्गुरु जो भी हमें निर्देश देते हैं उसमें हमें हमारे तर्क नहीं लगाना है। जो भी सद्गुरु द्वारा मार्गदर्शन मिलता है उसे हमें स्वीकार करना है, ईमानदारी पूर्वक, तीव्रता पूर्वक, सातत्यता पूर्वक, ये जागृति पूर्वक, तभी हम हमारा परम लक्ष्य परम मुक्ति सहज रूप से प्राप्त कर पाएंगे। बस ऐसी प्रभु कृपा से हमें सद्गुरु मिले हैं। तो आओ हम सब मिलकर ऐसे सद्गुरु के गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं। सद्गुरु के गुणगान और स्तुति करने से हमारी उनके प्रति श्रद्धा दृढ़ होती है। यदि जीवन में किसी के सद्गुरु नहीं है तो ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। तो चलो आइए हम सब मिलकर गुरु स्तुति करते हैं। नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंत